तो ये मालूम हुआ कि इनके घर में आग लग गई चारों तरफ। मेरा काम बना तो बहुत खुशी की बात है, और उनको अल्लाह दे और आगे मदद करें। और भी लड़की है, मेरा घर कैसे जला कोई पता नहीं चला। 10 बज रहा था दिन, हवा हुआ भी कुछ नहीं था, लेकिन उसी टाइम में हम तो मरीज आदमी हैं, शुगर का दवा खा करके आ जा रहे थे लेटने। आम वाला आए, वही आम लेने गए, अभी तो रोड पर गिरे करें उसी जगह, नहीं में जल गया। ऐसा जला लड़की का, जो पैसा कौड़ी रखे हुए थे वो भी, जो सर सामान था वो भी, एक सुई तक नहीं निकला। हम लोग वैसा ही कुछ भी नहीं हुआ। अब उसी में रिश्ता चल गया तो शादी की बात हो गई, तो हो रहा। अभी घर रूप नहीं बनाए हैं, लेकिन शादी का बात चल गया तो शादी बोले पहले से आनी लड़की है तीनों, निपटा दे। चलिए अल्लाह इनको तौफीक दे, ना मदद किए। तो मैं देखा कि भाई इनका जो घर ऐसा जला हुआ कि कुछ भी सामान नहीं बचा। तो फिर इनके बच्ची की शादी थी, जो सामान इकट्ठा किए हुए थे अपने, जो अपने हसबे औकात, वो सारा खत्म हो चुका था। तो फिर डेट फाइनल हुआ, तो मैं, मेरा काम सीसीटीवी कैमरे का है, जो मैं आफ्ताब भाई के यहाँ, जो अलमीरा फैक्ट्री है, यहाँ मैं वर्किंग कर रहा था। तो शादी के सिलसिले में उनसे हमने बात की कि ऐसा ऐसा बात है, कुछ अगर आपसे हो सकता है तो बताएं। तो उन्होंने कहा कि अफजल फर्नीचर में जाए का जो है मदद हो जाएगा। तो मैं यहाँ आया था, फिर वो डिटेल पूरा मांगे कि क्या है, पिक वगैरह है तो दे। मैंने पिक जो है सब यानी कि आपके ऑफिस में सबमिट किया, और फिर मुझे फोन गया कि आपका काम हो गया है और ये सामान मिल जाएगा। इसमें सामान में है एक बेड है, एक अलना है, चार चेयर है, एक टेबल है और एक ड्रेसिंग है। तो हमने फिर इनको फोन करके इतला दिया कि आपका ये सामान मिल जाएगा। तो मुझे कल यहाँ से खबर मिली आप आए डिलीवरी ले ले, तो मैं आज यहाँ आया। अभी तक तो उनसे मुलाकात नहीं है, जहाँ तक हमें लगता है कि भाई बहुत रहम दिल आदमी है। जैसा महसूस, अगर बगैर देखे हुए आपने उनके जरिए ये सब कर रहे हैं तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं, ब्लाइंड किसी पे भी यकीन किया जा सकता है। ऐसे लोग जो आदमी जिससे मुलाकात न हो और आपके जरूरत पूरी हो जाए उनके बगैर मिले हुए, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब मैंने ये फ्री फर्नीचर सेट देना स्टार्ट किया था, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा वीडियोज़ हम लोगों के पास आ जाएगा फ्री फर्नीचर सेट के लिए, और इतने ज़्यादा दुनिया में हैरान परेशान लोग होंगे। वीडियोज़ देख के हम लोगों का भी दिमाग घूम गया कि इतना सारा वीडियोज़ कैसे आ रहा है। और जब भी कोई वीडियोज़ भेजता है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हमको मिल ही जाएगा। लेकिन ये वीडियोज़ मैं उसी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप लोग भी ये समझिए कि देखिए, हमारे पास लिमिटेड फंड होता है, हम अपनी हैसियत के अनुसार हम लोगों ने एक डिसाइड किया है, फ्रेमवर्क बनाया है कि महीने से दो महीने, हर महीने दो से तीन लोगों को ही हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि एक फर्नीचर सेट 2000-2000 रुपये का तो आता नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग इतने बड़े भी नहीं हैं, आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत छोटे से स्टार्ट करके कुछ पैसे कमाए हैं। तो हम लोगों की नीयत रहती है कि इंशाल्लाह कुछ नेकी भी इस ज़माने में करके जाए, तो वो करने का हम प्रयास करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोगों का बजट नहीं होता है। तो उसके लिए तो जो लोगों को नहीं मिल पाता है उनसे माफ़ी ही चाहेंगे अपने दिल से, और इंशाल्लाह और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। अब ज़िंदगी में चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, लोग तो कुछ भी कहेंगे, और इस काम के बारे में भी बहुत सारे लोग अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे लोग बुरा बोलते हैं। जब से ये फ्री फर्नीचर सेट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है, बहुत सारे लोगों का इसका फ़ायदा मिला है। लेकिन बहुत सारे हमारे जो बेलविसर है, शुभचिंतक है, वो मैसेज करते हैं कि भैया फ्री फर्नीचर सेट देख के बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियोज़ क्यों बनाते हैं, नेकी का काम कर रहे हैं तो वीडियोज़ आपको नहीं बनाना चाहिए। तो उन लोगों को मेरा जवाब है कि देखिए, हम लोग भैया बिजनेस में रहते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग सोसाइटी में घूम सके, क्योंकि काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो 10 लोगों को और देंगे, घूम के तो पैसा आएगा नहीं ना। तो हम लोग ये वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं कि ताकि सही लोगों तक वीडियोज़ पहुँचे, और वो सही लोग जो ज़रूरतमंद है वो वीडियोज़ बना के हमारे पास भेजे, ताकि हम जो मदद करें वो सही लोगों तक मदद पहुँच पाए। तो ये इंटेंशन होता है, बाकी हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी नीयत क्या है, वो हम और मेरे खुदा अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मुझे किसी की साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और आप में से किन्हीं को भी किसी ज़रूरतमंद की मदद करना है, स्क्रीन पे फ्लैश वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनकी वीडियोस बना के हमारी टीम देखेगी और ज़रूर मदद करने की कोशिश करेगी, जितना ज़्यादा लोगों की हो सके उतना ज़्यादा लोगों की। दोस्तों, अब हम लोगों ने नियत बना ली है, क्या 1000 फ्री फर्नीचर सेट उन ज़रूरतमंदों को जिनको इसकी ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो इसको भी पूरा करके दिखाएंगे एक दिन।